अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी दिल्ली स्टाइल यखनी चिकन की, बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 600 ग्राम चिकन, चर्बी निकाली हुई, धोई हुई है, 2-3 पानी से धो के नितारने। वैसे तो मैंने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। छन्नी के ऊपर ये बड़े बड़े पीसेस लीजिए इसमें और एक पतीली में डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए तकरीबन 5 कप पानी। पानी हम इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि इसी में तो हम चावलों को आगे जाके बॉइल करेंगे। अब नमक डाल दीजिए, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 2 हरी मिर्ची और एक पूरा गड्ढा है ना लहसुन का डाल दीजिए। साबुत ही डालना है, छील भी निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ धोकर डाल दीजिएगा लहसुन के गड्ढे को। अच्छा, यहाँ पर थोड़े गरम मसाले हैं। ये है ½ छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दीजिए। यहाँ पर 1 बड़ी डंडी दालचीनी की, तकरीबन आप देख सकते हैं 4-5 लौंग डाल दे रही हूँ मैं, 2 सूखी लाल मिर्च और 3-4 तेज पत्ता डाल दीजिए और 2 हरी इलायची भी डाल दीजिए इसके अंदर। अब 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालकर चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो स्लो से मीडियम आंच पर हमारी ये चिकन को बॉईल करने रख दीजिए। मैंने ढक कर रखा है और 15 मिनट रहने देना है आपने, इसी तरीके से स्लो से मीडियम आंच तक ढक कर। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। जो चिकन है तकरीबन 70 से 80% गल गई है। बड़े बड़े पीसेस भी हैं तो ज़्यादा छूटेगी नहीं, तो अभी इन्हें आप चम्मच से या फिर इसी तरीके से चिमटे की मदद से 1-1 पीस लीजिए और निकाल कर इन्हें साइड पर रख दीजिए। और ये जो पानी है इसे आप अच्छे से छान लीजिए और एक प्याले में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। और ये पतीली को फिर से हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये मैंने निकाल लिया और अब ये देखिए साइड पे रख दिया पानी मैंने। अब इसके अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। मैंने थोड़ा सा कल का तेल भी मेरे पास रखा है, मैं वो भी थोड़ा डाल देती हूँ। और थोड़ा गर्म हो जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब गर्म हो जाए तो ये है 200 ग्राम प्याज लंबी स्लाइस करी हुई डालकर इसे बार बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक फ्राई कर लीजिए। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और 1 छोटी प्याज थी। हाँ, अच्छा, अब जब तक प्याज फ्राई हो रही है मैं साइड पर 1-2 प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये है 1 जावित्री और 1/4 पोर्शन जायफल का और 4 हरी इलायची है। उखल के अंदर डालकर बहुत अच्छा कूट लीजिए बारीक और ऐसे कूटने के बाद साइड पर रख दीजिए। अच्छा, आप चाहें कूटने के बाद जो हरी इलायची के कवर्स होते हैं, जो ग्रीन जो ऊपर के जो कवर है स्किन है, आप चाहें तो उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वो इस्तेमाल कर लूँगी यखनी के अंदर। चलिए, सेम उखल के अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ ½ छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा, 4 हरी मिर्ची, 14-15 कली लहसुन की और 1 इंच टुकड़े अदरक का। सारी चीज़ मैंने मोटा मोटा काट लिया है अदरक को तो, और लहसुन तो एज इट इज़ डाल दीजिए और हरी मिर्चियाँ धोकर डाल दीजिए और मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है। बहुत अच्छे से कूट लीजिए और इसे भी साइड पर रख दीजिए। कूटा हुआ डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। प्याज पर आ जाते हैं। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो इन्हें निकाल लीजिए, थोड़ी सी लीजिए, उसे अच्छे से तेल में से प्रेस करके निकालिएगा और उसे साइड पर रख दीजिए। तो मैंने थोड़ी प्याज इस तरीके से निकालकर मैं साइड पर डाल देती हूँ, ऊपर डालने के लिए काम आएगी। अब इसके अंदर हम थोड़े गरम मसाले डाल देते हैं। 8-10 काली मिर्च डालते हैं, 3 हरी इलायची, 1 बादियान, 1 डांडी दालचीनी की और 1 तेज पत्ता डालकर थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए स्लो आँच पर। जब हल्का तड़तड़ा जाए गरम मसाले तो ये चिकन जो साइड पर रखी है ये डाल दीजिए और इसे डालकर मिक्स कर लीजिए और आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। आप यहाँ चूल्हा मीडियम आंच कर सकते हैं। जब 1 मिनट हो जाए तो हमने जो कूट कर सारा रखा है लहसुन, जीरा, हरी मिर्च और अदरक, ये सारा डाल दीजिए। अब इसे मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए चिकन के साथ भून लीजिए थोड़ा सा 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ मैं 100 ग्राम दही डाल देती हूँ। दही डालकर भी बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर फिर से 1-1.5 मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, दही भून नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पर साइड पर ना मैंने छन्नी में रख दिया था एज इट इज़। अब जब थोड़ा ठंडा हो गया ना तो हल्का सा मैं मसल लेती हूँ, तो इसका भी तो कस निकलना चाहिए जो सारी चीज़ हमने डाली थी। और वो नीचे अंदर देख सकते हैं तो लहसुन मैंने डायरेक्टली उसके अंदर डाल दिया था गड्ढा, तो उसको मैंने अभी निचोड़ा नहीं है। लहसुन का गड्ढा उसी पानी के अंदर जो यखनी है उसके अंदर ही है। चलिए, ये भून चुकी है और तेल छूट चुका है। अब वो पाउडर डाल दीजिए जो हमने जायफल और जावित्री को कूट लिया था, वो वाला डालकर भी आधा मिनट तक इसे चला लीजिए हमारे चिकन के साथ। जब आधा मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं स्टॉक, जिसे हम यखनी भी कहते हैं, स्टॉक आप कहिए चिकन का, वो डाल देती हूँ। तो वो 5 कप जितना ही पानी निकला है, क्योंकि चिकन का पानी भी बहुत अच्छे से छूटा था उसमें, तो मुझे तकरीबन फुल 5 कप वापस मिले हैं। तो मैंने 5 कप वही यखनी का कहिए या स्टॉक कहिए वो डाल दिया मैंने 5 कप। अच्छा, यूपी और ये साइड पे है ना, उस साइड पे अचार का बहुत इस्तेमाल करते हैं यखनी के अंदर, तो मैंने यहाँ मिर्चों का अचार बाजार से लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ। इनफैक्ट ये इतनी छोटी सी बॉटल थी, मैंने सारा ही डाल दिया है, 2 टेबलस्पून जितना ही हुआ था, और ये बाजार का है और ये 50 ग्राम की है, तो उतना आप डाल दीजिए। अच्छा, ये जो लहसुन मैंने पानी जो स्टॉक में रखा था उसको अच्छे से मैं निचोड़ भी रही हूँ, और मैं थोड़ा सा इसका ये जो गड्ढा है ये एज इट इज़ डाल देती हूँ। आपने नहीं डालना है तो बस निचोड़कर डाल दीजिएगा, और उसे जो बचा कुछ है उसे फेंक दीजिएगा। अब नमक डाल दीजिए, चावलों के भाग का 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल दीजिए। अब ये है आधा किलो, यानी कि मेरे कप के हिसाब से 2.5 कप के दरमियान निकले हैं। ये चावल बासमती हैं, मैंने 2-3 पानी से धो के 1 घंटे पहले साफ़ पानी में भिगाने रख दिया था। आधा किलो चावल हैं बासमती वाले। अब अच्छा उबाल आ जाने दीजिए, ये पानी के अंदर उबाल आ जाए तो नितार कर ये चावलों को डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। और जब उबाल आएंगे ना तो हल्का सा इसे चला लीजिएगा, और अब वेट कीजिए जब तक ऑलमोस्ट ये जो पानी है सूख नहीं जाता। जब ऑलमोस्ट पानी सूख जाए तो यहाँ पर मैंने 1-2 हरी मिर्चियाँ स्लिट मार के और डाली हैं, और ये है ना दूध के अंदर थोड़ा सा मैंने केसरी कलर मिक्स करके थोड़ी जगह पे डाल रही हूँ। और ये जो प्याज जो बिरिस्ता याद है हमने साइड पर निकाल के रखा था, ये भी ऊपर डाल दीजिए। चूल्हा स्लो आँच करके ढक कर इसे इसके ऊपर वजन रख कर 15 मिनट तक ऐसे ही ढका हुआ रहने दीजिए, पकने दीजिए दम पर। अगर आपकी पतीली पतली है तो नीचे गरम तवा रख कर फिर रखिएगा ये पतीली, और 15 मिनट के लिए दम पे दीजिएगा। चलिए, मैंने चूल्हा कर दिया था बंद और 10 मिनट ऐसे ही ढका हुआ रहने दिया बंद चूल्हे में कि थोड़ी सी सेट हो जाए हमारी यखनी, और उसके बाद मैंने खोला तो ये देखिए क्या बढ़िया से खोले खोले से चावल हैं, और माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस है। मैंने टेस्ट किया, मज़ा आ गया माशाल्लाह खा के। तो ये बन गई हमारी दिल्ली स्टाइल यखनी चिकन की। बहुत ही फ्लेवरफुल, खिले से खूबसूरत से तो दिखने वाले चावल हैं, बट टेस्टी भी उतने हैं। तो इन्हें गर्मा गर्म निकाल लीजिए प्लेट में, सर्विंग डिश में, और इसे सर्व कीजिए। आप चाहे तो कचुम्बर के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह मैं इसे है ना वो जो दही वाली हरी चटनी वाली जो दही की जो आती है मैं उसके साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे ये यखनी स्पाइसी नहीं है, तब भी आप स्पाइस यानी कि हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। 500 ग्राम्स बासमती राइस आप सबसे पहले तो अपना खुद का एक कप के हिसाब से मेजर कर लीजिए। अब वो 1 कप हो रहा है, 2 कप हो रहा है, मेरा तकरीबन 2.5 कप हो रहा था। तो जितना भी कप होता है उससे डबल हमें पानी डालना है। तो आपने देखा मैंने डबल स्टॉक वाला ही उतना पानी मेरे पास था, तो मैंने उतना ही डायरेक्टली डबल पानी डाल दिया। अगर आपसे फ़र्ज़ करो बाय मिस्टेक पानी ज़्यादा जो बॉयल हो जाता है चिकन के अंदर और ज़्यादा सूख जाता है, और आपके पास वो जो स्टॉक वाला ज़्यादा पानी नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, जितना भी है पानी डाल दीजिए, और बाकी का बचा हुआ आप सादा नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक, और फिर हाँ जल्द से जल्द हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।